आके हमें 6 महीना हुआ, 6 महीने में स्टार, सुपर स्टार और आज डीसी बना हूँ। और आगे आने वाले समय में हमारा बहुत बड़ा होप है कि मैं अगले महीने में एटीसी बनूंगा, ऐसा मेरा प्लानिंग चल रहा है। यह बिजनेस आज भले मैं डॉक्टर हूं, लेकिन कहीं डॉक्टर से भी ज्यादा इस बिजनेस में, इस माई लाइफ कंपनी में कुछ करके दिखाऊंगा, ऐसा मिशन है। आज केवल नीम लग्जरी सोप से हम करोड़पति बन सकते हैं तथा इस बिजनेस से हमें एक फायदा यह हुआ कि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूं, मैं डायबालाइफ जैसे प्रोडक्ट का यूज किया। हमारा HbA1c 11 पॉइंट कुछ था, लेकिन हमने 7 महीना यूज किया। आज हमारे जिंदगी का जो लेवल है आज 7.5 हो गया। मैं कंपनी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, कारण की मला त्या बिजनेस मतलब माहिती नव्हतं, पण मला एक अनुवृत्ती माझ्या घरी आली। तानाजी साठे सर त्यांच्या मार्फत मला हा बिजनेस मिळाला। थँक यू तानाजी साठे की फ्युचर मध्ये मी काहीतरी करू शकतो आणि माझ्या मुलीसाठी काहीतरी करून जाण्याची इच्छा मी हा बिजनेस मध्ये देऊ शकतो। जय हिंद जय महाराष्ट्र। बिजनेस करने वाले दिखाने वाले उकान सर, बिजनाथ यादव सर, मेरे को पल-पल सपोर्ट करते हुए बिजनेस को किए। मैं पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा हूँ और आगे बनने वाला 2 से 3 महीने में एसटीसी पर आने वाला स्टेशन। मैं एक्चुअली लोग धक्का दे करके मतलब ऐसा स्टेज की व्यवस्था लोग बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं। इस बिजनेस में लोगों को जबरदस्ती लाया जाता है, बट जबरदस्ती का बिजनेस नहीं है दोस्तों। अगर अपनी इच्छा से इस बिजनेस में आप अगर मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने के लिए उस प्रबल इच्छा शक्ति के साथ चलते हैं, तो ये बिजनेस आपको इनकम भी देता है, मान सम्मान भी देता है। और एक लाइन में मैं बोलना चाहूँगा कि करने से होता है। अगर आपने करने की ठान लिया तो ये सब कुछ आप कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपने जब करने का सोचेंगे ही नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। थैंक्स। कंपनी फक्त थोडंच आवडली म्हणून मी जॉईन केली, बाकी मला करायची नव्हती अशी इच्छा पण झाली। नंतर अशी इच्छा झाली की कंपनीत आपण काही करू शकतो। जसं की मी आता मन सांगेल तुम्हाला, आपण गरीब घरी जन्मलं हे आपली चुकी नाही, आपण गरीब घरी जन्मलं ही आपली चुकी नाही, पण आपण गरीबन बनणार असं तरी 100% ही आपली चुकी आहे। म्हणून कंपनीमध्ये आपण डायमंड होऊन श्रीमंत होऊन कोटी जय हिंद जय महाराष्ट्र जय टीम फोर। आज मी टीम कॉर्डिनेटर छान वाटलं आणि सगळ्या कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ, इधर कल्याण में रहता हूँ। 20 साल सऊदी में काम करने के बाद अभी रिटायर्ड लाइफ में बहुत बड़ा ताकतवर कंपनी में काम कर रहा हूँ। ये कंपनी दवा नहीं दुआ भी देती है। और एक याद रखो, सबके साथ सबका विकास, ये कंपनी का जुड़ते रहो, आगे के तुम लोग के दिन इतना अच्छे रहेंगे। पहले मुझे बहुत कुछ दिक्कतें भी आई थी, तो मैंने उस दिक्कतों का सामना करते करते आज टीसी बन गया। जब मेरा सेलिब्रेशन था करके मैंने मेरी मम्मी को बुलाया था गाँव से, तो कुछ कारणों की वजह से मम्मी रिटर्न गाँव चली गई, तो मुझे उसका एक मतलब दुख हो रहा है कि यहाँ पे कुछ मम्मी का ये करना था।
तो आज जैसे टीसी बना वैसे मैं एनटीसी बन के यह स्टेज पे आऊंगा। विश ऑल द बेस्ट। बड़ा प्रोफेशन आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है आणि हा बिजनेस पार्ट टाइम जॉब करता करता करतोय। हा बिजनेस करायचे एकच उद्दिष्ट आहे की 2016 मी मुंबई मध्ये आलो। माझं गाव कोकण देवगडचं आहे मी कोकणात। तर 2019 मध्ये माझी आई ऑफ झाली। आईला सीएचा प्रॉब्लेम होता। खूप काही सगळ्या गोष्टी केल्या आणि आज हे जे करतोय फक्त वडिलांसाठी। माझे वडील या ठिकाणी आहे तिकडे। प्लास्टिक कवरची आहे अर्धी। ठीक आहे। वाजता वाजता 2013 ला त्यांचा ऍक्सिडेंट झालं होतं आणि आज सगळ्या ज्या गोष्टी त्यांच्यासाठी आहे। म्हटलं ना तर मी 4-4 दिवस 3-3 दिवस मी खरंच घरी नाही येत। जर मी गेलो तर ते सर्व सांभाळ माझी बायकोच करते। आणि मला एकही दिवस असं म्हटलं नाही जात की तुम्ही एवढ्या रात्री येता, एवढ्या रात्री तुम्ही कुठं जाताय, कुठलंही मला तसलं काही बोललं जात नाही। म्हणून मी तिचा पण ऋणी आहे आणि धन्यवाद करतो। माझी जेवढी टीम आहे स्टार सुपरस्टार तेवढ्यांचं मी धन्यवाद करतो। आणि जे लीडर आहेत आपलं राजन सिंग सर, सर तुम्ही जेव्हा बोलतात ना आग लागते आग। आणि या आगेने मला या ठिकाणी पोहोचवलं सर, या आगेने। आणि तुम्हाला मी प्रॉमिस करतो सर 6 महिन्याच्या आत मी स्टार सिल्वर मारणार सर, स्टार सिल्वर। सॉरी मी परत एक बोलू शकतो। बघा जेवढे नवीन असतील ना शपथ सांगतो प्युअर 24 कॅरेट बिझनेस आहे, प्युअर 24 कॅरेट बिझनेस। जे नवीन आहेत ना त्यांना सांगतो प्युअर 24 कॅरेट बिझनेस आहे सर, प्युअर 24 कॅरेट। कारण इथे कुठल्याही प्रकारचा पैसा लावला जात नाही सर, कुठल्याही प्रकारचा पैसा लावला जात नाही। पैसा आपल्यासाठी काम करतो सर। एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय माय लाईफस्टाईल, जय टीम फॉर्स। मला या माय लाईफस्टाईल भरपूर काय दिले। बघा आपल्याला माईक कसं पडावं हे मला माहित नव्हतं आणि टेजवर कसं उभं राहावं हे पण मला माहित नव्हतं। हे सर्व मला माय लाईफस्टाईलने दिले आज। आणि आतापर्यंत हा रमेश मोरे फक्त रमेश मोरे तूट तिथून माळ घे आणि साहेबांच्या गळ्यात माळ टाक एवढंच करत होतो। आज माझ्या गळ्यामध्ये माळ टाकले गेले आम्हाला आनंद आहे, आम्हाला आनंद आहे। मित्रांनो मला आज माझ्या नोकरीमध्ये मी वर्षाला 7-7 लाख रुपये कमवतो। मला 7-5 हजार रुपये पेमेंट आहे। परंतु माझं 16 वर्षामध्ये माझं माध्यम नव्हतं। मी 1.5 वर्षामध्ये दोन विमान प्रवास माझे झाले। एक दिल्लीला गेलो, एक गोवा गेलो, महाबळेश्वरला गेलो, इमॅजिकला गेलो, परत आता माझं जस्ट टूर झालाय मालते घाट्याला गेलो मी आणि परत माझा दुसरा आता इंटरनॅशनल टूर आहे माझा दुबईचा। तुम्ही माझ्या या माध्यमातून करणार सर। मी भरपूर पैसा कमवला पण माध्यम केलं नव्हतं। मी 16 वर्षामध्ये पण मी 1.5 वर्षामध्ये या ठिकाणी गेलं। याचं सर्व श्रेय माझ्या ग्रेट लीडर तडवी सरांना जातो, त्यांना धन्य मानतो। देवापेक्षा मी त्यांना कमी समजत नाही। मी 5 वर्षाहून लॉन करतोय या बिझनेसमध्ये। मला यायचं नाही होतं पण मिलन सरांनी आणि मोरे सरांनी मला या बिझनेसमध्ये लागलं। आणि हा बिझनेस आहे ना खास म्हटल्यावर मी औषधींमुळे केला, कारण की माझ्या मानेला गॅप होता। माझ्या मानेला गॅप असताना मला एक प्रोडक्ट मिळाले, मोरे सरांनी दिले आणि मी या बिझनेसला स्टार्ट केले। पण हा माध्यम नव्हता की मी या टेजवर येऊन बोलणार, हे टीम फोर्समध्ये होतं आणि माय लाईफस्टाईलमध्ये मिळतं हे। जय माय लाईफस्टाईल।
टीचर थी लेकिन इस बिजनेस में आई तो एक साल से मैंने स्कूल छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया और अभी फुल टाइम माय लाइफस्टाइल करती हूँ। और मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं आज यहाँ पहुँच सकूँगी, लेकिन पिछले साल मैंने एक गंजना प्रोग्राम देखा था कल्याण वेस्ट में, मतलब मनीषा मैडम मुझे इस बिजनेस में लाए थे तो मैं उनको ऐसा बहाने देती थी, स्कूल जाया करती थी तो मुझे टाइम नहीं मिलता था मीटिंग में जाने के लिए, तो उनका वो कॉल भी रिसीव नहीं करती थी, बहाने देती हूँ उनको। फिर एक बार मुझे उन्होंने बहुत फोर्स किया कि आपको एक गर्जना प्रोग्राम में आना ही होगा, तो मैं आई और वहां से मेरे मन में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि ये गर्जना प्रोग्राम में मैं स्टेज पर रहूंगी। इसलिए हमें ये ताकत होती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, खाली एक बार हमको ठानना जरूर होता है, हम ठानेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। और कहना चाहूँ तो इस बिजनेस में नॉमिनी फैसिलिटी है, आज मेरे भाई इस दुनिया में नहीं है तो उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और भाई का 21 अप्रैल को ऐसा हो गया और मार्च में उसको बिजनेस दिखाने गई थी मैं, वो मुझे बोल रहा था मुझे 1.5 लाख सैलरी है, मुझे इस बिजनेस की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसको खाली एक ही कहा है कि कल तू रहेगा या नहीं तेरा बिजनेस रहेगा तो इसकी कोई गारंटी है क्या, तूने बच्चों के लिए कुछ किया है क्या। तो उसने बहुत सोचा और मुझे बोला कि मैं बिजनेस करूंगा, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है अभी। इसलिए सबको यही कहना चाहूंगी कि कल के होगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, तो हमको ये बिजनेस अपने परिवार के लिए करना है, परिवार के लिए करना है। और मेरा परिवार, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मैं एक एक महीने में 3 बार गांव जाती हूँ, 8-8, 15-15 दिन गांव रहती हूँ, लेकिन इनके सपोर्ट के वजह से मैं ये कर पाई और यहाँ पहुँच पाई। आज इसका सब इन सबका सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे यहाँ तक लाया, मतलब पर्पल सपोर्ट किया। मैं रात को देर से आती हूँ तो भी कभी मुझे बोले नहीं कि तू कहाँ जाती है। हाँ पहले बोला करते थे मुझे कि तुम ये क्या कर लिया, तूने किसी ने तुझको क्या जादू कर दिया है, बोले कि तुम जाती हो मीटिंग ही जाती हो, इधर ही जाती हो उधर जाती हो। लेकिन एक बार मैं उनको ही धक्का मार के GTS में लेके आई के अपना मुलुंड में कालिदास में, वहां राजेंद्र सर का स्पीच सुन के रो पड़े और उन्होंने मुझसे माफी मांगी कि आज तक मैं तुझे जो गलत समझ रहा था गलती मेरी कि मैंने आपको गलत समझा। लेकिन उन्होंने जब राजेंद्र सर का स्पीच सुना तो तभी उनको मालूम पड़ा कि सही में मेरी वाइफ जो कर रही है वो सच कर रही है, परिवार के लिए ही भाग रही। तब से उन्होंने भी पल पल सपोर्ट किया और वो भी बिजनेस के लिए मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और टाटा कंपनी में पिछले 14 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के ऊपर पिछले 3.5 साल से काम कर रहा हूँ। आज स्टार सीनियर ट्रॉफी है लेकर बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा मेरी पूरी टीम को और मेरे जो सपोर्टिंग लीडर्स हैं, मेरे अपलाइन सारे गुरु, उन सभी लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ और यमाय लाइफस्टाइल को बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू करके काम करता हूँ। 2 साल से मैं इस माय लाइफस्टाइल बिजनेस से जुड़ा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन जितने भी है, गरड़ सर, पुरुषोत्तम सर, सर और सभी अप्लाई को। और आज 2 साल से बिजनेस में जुड़ने के बाद आज मैं स्टार सिल्वर रैंक अचीव कर सका हूँ। इसके बाद भी और कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जितने भी नए लोग आए हैं अपने जिन्होंने लाया है उनका हाथ पकड़ के इस माय लाइफ से जुड़ जाइए। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। माजी सैनिक हूँ और बाय प्रोफेशन में अभी PhD में 12 साल हो गया, अभी सुरक्षा करके काम करता हूँ। और इतना ही कहना चाहता हूँ कि लर्निंग यू नॉलेज, नॉलेज यू कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस यू रिजल्ट मल्टीप्लायर। और सबको धन्यवाद करता हूँ और जो भी नए आए उन्होंने शुरुआत करना है और अपना आगे जो सपना है वो किया जाए, अपने ड्रीम पूरे करना है। थैंक यू। प्रोफेशनली मी BMC मध्ये काम करतो, नौकरी पण चांगली आहे, नौकरी मध्ये 60-65 हजारपर्यंत पगार भेटतो, खूप काही चांगला असताना सुद्धा ह्या बिझनेस मध्ये का आलो, कारण का फक्त आणि फक्त प्रोडक्ट। ऑलरेडी मला स्वदेश, स्वतःच्या देशातली प्रोडक्ट वापरण्याचा म्हणजे वापरण्याची सवय आहे, त्यामुळे मी पतंजलीचे प्रोडक्ट वापरतो, पण सरांनी मला हा बिझनेस दाखवला आणि या बिझनेसच्या माध्यमातून मी स्वतःच्या देशात मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, माय लाईफस्टाईल मार्केटमध्ये भरपूर साऱ्या कंपन्या आहेत ज्या की बाहेरच्या देशामधून प्रोडक्ट मागवतात, पण आपली एकमेव कंपनी आहे की आपल्या स्वतःच्या देशामध्ये प्रोडक्ट बनवते। तर थँक्यू, माझ्या टीमचे मी खूप आभारी आहे टीमचा आणि माझ्या सर्व आपल्याचा पण खूप आभारी आहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्रोफेशनल जे
देखा जाए तो मैं बीएमसी गवर्नमेंट हूँ। 15 साल हो गए नौकरी को। लोग बोलते हैं ना, लोग जॉब से ढूंढने के निकलते हैं, तो मैं भी जॉब से निकला हूँ, घर से निकला, किसान का बेटा हूँ। और बहुत सारे लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट को क्या है। आज बोलो ना, गवर्नमेंट से लोग ले रहे, तो गवर्नमेंट भी आप लात मार रहे हैं हम लोगों को। तो आज देखो, इस प्रोफेशन में आने से पहले देखो, कोई बुजुर्ग है, कोई डॉक्टर है, कोई बुजुर्ग है, और हर फिर का आदमी यहाँ से आ रहा है रोज, उम्र से उम्र का। और कोई पूछता नहीं है तो कौन से धर्म का है, जात का है, तो यहाँ से समझ सकता है कि आप यहाँ पे आइए, आप सीखिए, और जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और इसी बना कोई एटीसी बना, और मेरे साथ में जो खड़े रहे उन सब लोगों को फूल माला हार मिलाए। अगर मेरे साथ में रह गया, इन लोगों के साथ में आएगा, तो आप भी यहाँ से उठ के यहाँ से खड़ा हो सकता है, क्योंकि इंतजार आपका तेज यहाँ पे कर रहा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खुद को कर इतना बुलंद, खुद को कर इतना बुलंद कि खुद तुझसे खुदा के बोल बंदे तेरी रजा क्या है, बोल बंदे तेरी रजा क्या है। थैंक यू वेरी मच।